हेलो व्यूवर्स, दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर वसीम आय खान फ्रॉम श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी महाराष्ट्र. आई वेलकम ऑल द व्यूवर्स टू द लेक्चर सीरीज ऑफ मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन. सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड कुरानिक हेयर्स एंड देयर स्पेसिफिक शेयर्स. सो एज पर मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन, इफ एनी मुस्लिम डाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द कुरानिक हेयर्स एज पर देयर स्पेसिफिक शेयर्स. एंड आफ्टर अलॉटिंग द स्पेसिफिक शेयर्स टू कुरानिक हेयर, इफ प्रॉपर्टी रिमेन्स, दैट प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द रेसिडिवरी. तो रेसिडिवरी में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो कुरानिक हेयर्स के शेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए प्रीवियस 6-7-8 लेक्चर्स में. तो अगर आपको वो लेक्चर्स देखना है, क्योंकि जब तक आप कुरानिक हेयर्स के शेयर नहीं समझोगे, आपको रेसिडिवरी समझ में नहीं आएगा. तो वो पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube चैनल पे. अगर आप मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट किए तो आपको पूरे लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे. आप वो लेक्चर देखने के बाद ही ये रेसिडिवरी का कंसेप्ट देखे तो आपको अंडरस्टैंड होगा. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स अवर टॉपिक. इन दिस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट वी हैव डिस्कस अ सर्टेन रेसिडिवरीज. सो इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वाला है पिछले लेक्चर्स में, कि जब कभी भी मुस्लिम की डेथ होती है तो कितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको पता करना है. तो पहले उसका फ्यूनरल एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा, अगर कर्ज लिया तो कर्ज चुकाना पड़ेगा, और अगर विल प्रिपेयर किया तो उसकी विल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ये सब करने के बाद जो प्रॉपर्टी बची वो प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी. और क्लासेस ऑफ हेयर्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पहला क्लास ऑफ हेयर्स है कुरानिक हेयर्स, के पहले कुरानिक हेयर्स को प्रॉपर्टी दी जाएगी उनके स्पेसिफिक शेयर्स के हिसाब से. अब कुरानिक हेयर्स को प्रॉपर्टी देने के बाद अगर प्रॉपर्टी बचती है तो वो प्रॉपर्टी रेसिडिव कहलाएगा, एंड दैट रेसिडिव विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द रेसिडिवरी. तो वो रेसिडिव रेसिडिवरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट सपोज इफ देर आर नो रेसिडिवरीज, देन द प्रॉपर्टी विल गो टू द डिस्टेंट किंड्रेड. तो प्रॉपर्टी डिस्टेंट किंड्रेड को जा सकती है. डिस्टेंट किंड्रेड ब्लड रिलेटिव्स है जो ना तो कुरानिक हेयर्स में इंक्लूड किए गए और ना तो रेसिडिवरीज में इंक्लूड किए गए. तो आगे बढ़ते हैं हम रेसिडिवरीज की तरफ. सो पहला रेसिडिवरीज में पहले हम डिस्कस करेंगे डिसेंडेंट के. डिसेंडेंट में रेसिडिवरीज में कौन है? सो देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ रेसिडिवरीज इन विच द फर्स्ट वन इज अ डिसेंडेंट. सो सन इज इन द लिस्ट ऑफ रेसिडिवरी. हमने कुरानिक हेयर्स डिस्कस किया, कुरानिक हेयर्स में सन कहीं पर भी नहीं है. सन इज इन द लिस्ट ऑफ रेसिडिवरी. बट हमने ये भी देखा कि डॉटर एज अ कुरानिक हेयर्स इनहेरिट कब करेगी? इन अब्सेंस ऑफ सन. अगर सन नहीं है तो डॉटर को एज अ कुरानिक हेयर शेयर स्पेसिफिक मिलेगा, बट इफ देर इज अ सन डॉटर कन्वर्ट हो जाएगी रेसिडिवरी में. तो सन का शेयर हम डिस्कस करेंगे अभी कि कैसा रहेगा. सपोज वेयर देयर इज अ डॉटर, सन टेक्स डबल. तो व्हाट विल बी द सन शेयर इन द रेसिड्यू? जो प्रॉपर्टी बची उसमें सन का शेयर कितना रहेगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. इफ देयर इज अ डॉटर, सन टेक्स डबल. फॉर एग्जांपल अगर डॉटर है सन के साथ, तो जो डॉटर को शेयर मिलेगा उससे डबल सन को मिलेगा एज अ रेसिड्यू. कुरानिक हेयर्स को हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच रही वो प्रॉपर्टी में अगर एक सन एक डॉटर है तो उसके तीन हिस्से होंगे. एक हिस्सा डॉटर को दिया जाएगा, दो हिस्से सन को दिए जाएंगे. सन टेक्स डबल इफ देयर इज अ डॉटर, पहला. सेकंड वन इज नो डॉटर, सन टेक्स एंटायर रेसिड्यू. इफ देयर इज नो डॉटर, सन टेक्स एंटायर रेसिड्यू. अगर डॉटर नहीं है तो जितना प्रॉपर्टी बची आफ्टर अलॉटिंग स्पेसिफिक शेयर्स टू कुरानिक हेयर्स, व्हाट एवर द प्रॉपर्टी रिमेन्स, दैट इंटायर प्रॉपर्टी विल गो टू अ सन. तो कुरानिक हेयर्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी बचेगी पूरी प्रॉपर्टी सन को मिल जाएगी. सो दीज आर द टू शेयर्स ऑफ सन. हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे. सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेड. अब यहां पर है कि यहां पर दो चीजें है कि दो डॉटर है एक सन है, एंड वाइफ इज ऑल्सो देयर एंड फादर इज ऑल्सो देयर. अब हमने देखा कि पहले हमको कुरानिक हेयर्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉपर्टी जो बची वो रेसिडिव कहलाएगा और रेसिडिव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हमने देखा था वाइफ का शेयर इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन. अगर चिल्ड्रन है तो वाइफ विल गेट 1/8. तो वाइफ का शेयर हमने 1/8 पहले वाइफ को देंगे, देन फादर को 1/6. हमने देखा था कि इफ देर आर अ चिल्ड्रंस देन शेयर ऑफ फादर विल बी 1/6. तो दो कुरानिक हेयर्स यहां पर है, एक तो वाइफ एक तो फादर.
तो हमने वाइफ को दे दिए 1/8 अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक शेयर, उसको 1/8 दे दी हमने, दूसरा फादर को 1/6 दिए। तो अब देखो कि सिचुएशन क्या रहेगी कि हमारे पास अगर प्रॉपर्टी 100 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है, अब हमको 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 100 रुपीज का 1/8 होता है 12.5 रुपये, तो हमने 12.5 रुपये शेयर है जो हमने वाइफ को दे दिए उसका 1/8, और 1/6 होता है 16.66 रुपये, तो हमने 16.66 रुपये दे दिए फादर को उसका कुरानिक हेयर स्पेसिफिक शेयर। फिर अब क्या होगा कि यहां पर हमने देखो लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे के 16.66 रुपये प्लस 12.50 रुपये इज इक्वल टू 29.16, 29.16 रुपये ये हम कुरानिक हेयर्स को हमारा चले गया। अब अगर 29.16 रुपये हमने कुरानिक हेयर्स को दे दिए तो प्रॉपर्टी कितनी बची हमारे पास, 100 रुपीज में से 29.16 रुपये निकल गए, तो प्रॉपर्टी बची 70.84 रुपये, 70.84 रुपये, दैट इज अ रेसिड्यू। तो ये रेसिड्यू हो गया, ये रेसिड्यू है। अब ये रेसिड्यू हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सन और दो डॉटर में, क्योंकि ये रेसिड्यूरीज है, अब तो रेसिड्यू इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे 70.84 रुपये डिवाइडेड बाय 4, तो हम उसके चार हिस्से करेंगे। अगर चार हिस्से किए हमने तो वो हो रहा है एक हिस्सा 17.71 रुपये, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सन विल गेट 2, सन को डबल मिलने वाला है, तो सन विल गेट 2, 17.71 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 35.42 रुपये, तो सन का शेयर हो गया 35.42 रुपये, डॉटर विल गेट 17.71 रुपीज, तो यहां पर शेयर रहेगा ये, सन विल टेक 35.42 रुपीज एंड डॉटर विल टेक 17.71 रुपीज। तो जो रेसिड्यू था 70.84 रुपये हमने उसको चार पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से दो पार्ट डबल दिया हमने सन को और सिंगल सिंगल दिया डॉटर को, सो दैट विल बी द शेयर। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा अलॉन्ग विद द डॉटर, सन विल टेक्स अ डबल एंड डॉटर विल टेक अ सिंगल। अनदर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस, सपोज इफ दिस इज अ सन, दिस पर्सन डाइज इंटेस्टेड एंड इफ देर इज ओनली वन सन, अकेला ही सन है, तो वाइफ का शेयर रहेगा 1/8, फादर का रहेगा 1/6, क्योंकि कुरानी खेर से पहले हमको कुरानी खेर को प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, उनको देने के बाद जो बच रही है वो रेसिड्यू, और वो रेसिड्यू जाएगा। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन है, वाइफ, फादर और सन। तो वाइफ का शेयर गया 1/8, फादर का गया 1/6। अब ये जो 1/8 थे 12.50 रुपये, 1/6 थे 16.66 रुपये, तो यहां पर 29.16 रुपये दोनों को चले गया कुरानी खेर्स को, यहां पर रेसिड्यू हो गया 70.84 रुपये। अब ये 70.84 रुपये किसको जाएगा, सन विल गेट, सॉरी 71.84 रुपये है, तो सॉरी 70.84 रुपये ही रहेगा, तो दैट विल बी गिवन टू द पर्टिकुलर सन, वो सन को जाएगा, यहां पर गलती से 71 रुपये ले लिया मैंने, 70.84 रुपये है, तो 70.84 रुपये जाएगा सन को, इंटायर रेसिड्यू विल बी गिवन टू अ सन, तो सन को जाएगा 70.84 रुपये, रेसिड्यू पूरा सन को जा रहा है आफ्टर अलॉटिंग स्पेसिफिक शेयर्स टू कुरानिक हेयर्स, तो ये रेसिड्यू में आएगा। अब और एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सन, वाइफ, फादर एंड मदर, तो वाइफ को जाएगा 1/8, फादर को जाएगा 1/6, मदर को जाएगा 1/6, है ना, क्योंकि कुरानी खेर्स में वाइफ को 1/8 थे, फादर को 1/6 थे, मदर को 1/6 थे, इसलिए क्योंकि यहां पर चिल्ड्रन है, सन है, तो इस सिचुएशन में हम स्पेसिफाई करेंगे 12.50 रुपये गया वाइफ को, 16.66 रुपये गया फॉर एग्जाम्पल यहां पर फादर को, और 16.66 रुपये गया मदर को। तो यहां पर हम देखेंगे 16.66 रुपये प्लस 16.66 रुपये प्लस 12.50 रुपये 45.82 रुपये ये शेयर गया। अब रेसिड्यू कितना बचा, 54.18 रुपये रेसिड्यू है, दैट इज अ रेसिड्यू आफ्टर अलॉटिंग स्पेसिफिक शेयर्स टू कुरानिक हेयर, व्हाट एवर द प्रॉपर्टी रिमेन्स दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेसिड्यू एंड दैट रेसिड्यू विल बी गिवन टू द सन। यहां पर सन अकेला ही है, इसलिए जो 54.18 रुपये है वो टोटल का टोटल रेसिड्यू जाएगा सन को, क्योंकि सन अकेला है। यहां पर अगर डॉटर होती उसके साथ एक, तो 54.18 रुपये तीन पोर्शन में डिवाइड होता, एक डॉटर को जाता और डबल सन को मिलता, सो दैट इज अ शेयर ऑफ सन, ये सन का शेयर है। अब अगर हम देखें कि डिसेंडेंट में दूसरा है, इफ देयर इज नो सन,
अगर सन नहीं है तो फिर देखेंगे हम उसके बाद सन सन हाउ लो सो एवर, तो दूसरा डिसेंडेंट में सन सन हाउ लो सो एवर। अगर सन नहीं है तो सन सन, सन सन नहीं है तो सन सन सन, हाउ लो सो एवर, जहां तक जाने का वहां तक ये सब रेसिडिवरी में आएंगे। तो सन सन हाउ लो सो एवर, वेयर देयर इज अ सन्स डॉटर ही टेक डबल, अगर सन सन के साथ सन्स डॉटर है तो सन सन विल टेक डबल शेयर एंड सन्स डॉटर विल टेक सिंगल। जैसा हमने सन का शेयर करे तो सन को डबल मिलेगा, डॉटर को सिंगल मिलेगा, वैसा ही सन सन को डबल मिलेगा और सन्स डॉटर को सिंगल मिलेगा शेयर। बट नियर आर एक्सक्लूड रिमोटर, मतलब इफ देयर इज अ सन सन, सन 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 विल बी एक्सक्लूडेड, नियर आर एक्सक्लूड अ रिमोटर, तो जो नजदीक वाला है वो दूर वाले को एक्सक्लूड करेगा। सेवरल सन सन टेक पर कैपिटा, अगर एक से ज्यादा सन सन है तो दे विल टेक पर कैपिटा, मतलब जो भी प्रॉपर्टी रेसिड्यू बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द सन सन। अगर चार सन सन है तो जो रेसिड्यू आ रहा है वो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दैट इज अ शेयर ऑफ सन सन हाउ लो सो एवर। तो डिसेंडेंट में दो है, सन एक, दूसरा सन सन हाउ लो सो एवर, मतलब डिसेंडेंट पूरे देखा जाएगा हमको कि सन है क्या पहले तो सन को दे दो, सन सन को कुछ नहीं मिलेगा, सन नहीं है रेसिड्यू में तो सन सन है क्या देखा जाएगा उसको दिया जाएगा, वो नहीं है सन 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 है क्या देखा जाएगा, वो नहीं है उसके नीचे, वो नहीं है उसके नीचे हमको जाना पड़ेगा। अगर कोई भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट लिस्ट ऑफ रेसिड्यूरी आएगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेसिड्यूरीज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और एक बात ध्यान में रखिए कि ये रेसिड्यूरीज को समझना है तो नेक्स्ट पार्ट आपको देखना ही पड़ेगा, पूरे रेसिड्यूरीज की लिस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स, थैंक यू वेरी मच।